आज हमारे साथ स्टूडियो में अर्जुन सिंह कादियान साहब भी आ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। एक जरा आप हुड्डा साहब हैं कि नहीं रोहतक में पता कर लें। विजय लक्ष्मी जी वहां पर हमारी सहयोगी मौजूद हैं। कहाँ हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, विजय लक्ष्मी, कोई बातचीत हुई उनसे? देखिए अभी जो बताया जा रहा है कि अभी तो वो रोहतक में डी पार्क में जो उनका घर है वहां पर है और 10:30 के करीब हिडन बैंकेट हॉल है कोई हेवन, वहां पर जो है दोनों पहुंचेंगे और फिर वहीं से मीडिया से मुखातिब होंगे और वहीं बैठकर के पूरा जो है वो देखेंगे और मॉनिटर करेंगे या जो फीडबैक है वो अलग अलग काउंटिंग सेंटर से अपने लोगों से वो लेंगे। तो ये अभी हमें उनका दिन का कार्यक्रम बताया गया है कि हेवन कोई बैंकेट हॉल है वहाँ पर वो जाएंगे और पूरे दिन उनकी जो मॉनिटरिंग है तमाम सीटों से, काउंटिंग सेंटर से, वो वहीं से बैठ कर करेंगे। अच्छा, नाम बड़ा गजब का है बैंकवेट का भी, विजय लक्ष्मी हेवन, पहले से ही वो जन्नत का एहसास जो है उन्होंने लेना शुरू कर दिया है। ये पवन आप एक बात बताएं कि ये जो लड़ाई चल रही थी कि कांग्रेस तो जीत ही रही है, कांग्रेस के मानकर चल रही है, अब तो लड़ाई इस बात को लेकर चल रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हमने सुना शैलजा जी अंतिम दौर तक ये कहती रहीं, अब ये तो आला कमान को तय करना है, अब तो लड़ाई ऐसा लग रहा है कि जैसे कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर है। देखिए लड़ाई है कि नहीं वो अभी कहना थोड़ा मुश्किल इसलिए है कि शैलजा जिस तरीके से सीएमशिप पर दावेदारी करती रही, माना गया कि वो एक रणनीति के तहत था ताकि दलित समाज को एक संदेश हो कि हाँ हमारा दावेदार भी रेस में है और आलाकमान की तरफ से उनके दावों को रोकने के लिए या इस तरह की फूट को ना दिखने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई। वो माना गया कि वो रणनीति के तहत था कि हाँ दलित उम्मीदवार भी सीएम की रेस में है और वो कांग्रेस के पक्ष में काम करेगा, इस स्ट्रेटजी के तहत उनका था। लेकिन जिस तरीके से टिकट वितरण हुआ है उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं आगे खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन जब हम सब ये कह रहे हैं तो हमें 2005 के नतीजे नहीं भूलने चाहिए जहां टिकट बांटने में भजनलाल आगे थे और उस वक्त विरोधी के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ इसी तरीके के बयान देते थे और तब भी माना गया था कि रोहतक साइड में वोटों के ट्रैक्शन के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये बयान कहने के लिए आजादी दी गई है। अब की बार सिचुएशन 2005 वाली, जन्नत का दरवाजा किसी के लिए भी खुला है। आला कमान सैनी साहब का जो मुख्यमंत्री हरियाणा उनकी बात अगर हम करें तो उनका कल का एक स्टेटमेंट बड़ा गजब का था कादियान साहब। उन्होंने कहा हमारी व्यवस्था पूरी है, हम सरकार में आएंगे, हमारी व्यवस्था पूरी है। कौन सी व्यवस्था हो सकती है बीजेपी की? बीजेपी की व्यवस्था है तो भाई जो शब्द है ये हरियाणा की डिक्शनरी में, हरियाणा की पॉलिटिकल डिक्शनरी में पिछले 10 साल के अंदर जो एक बदलाव आया है वो यही है, व्यवस्था जैसे शब्द बहुत कॉमनली यूज होने लगे हैं। और 10 साल के बाद मैं फिर देख रहा हूँ हाई कमांड का रिपीटेड रेफरेंसेज हरियाणा के अंदर फिर होने स्टार्ट हुए, क्योंकि इससे पहले हाई कमांड पिछले 10 सालों के अंदर इसे गायब सा लग रहा था हरियाणा के अंदर। पर हुड्डा साहब के उसमें ये जो एंटिसिपेट कर रहे हैं हम कि शायद उनकी सरकार बने या शायद कांग्रेस 45 क्रॉस कर जाए, उस बेसिस पे सब लोगों ने बाहर से कांग्रेस हाई कमांड का डिस्कशन शुरू कर दिया है। बहरहाल आपने एक जो बात कही कि कुमारी शैलजा जी की, देखिए ऐसा नहीं है कि कुमारी शैलजा इकलौती दलित नेता हैं इस वक्त कांग्रेस के अंदर, क्योंकि चुनाव के दौरान ही 152D का अच्छा उपयोग करते हुए अशोक तंवर जी भी कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। तो हम जिस स्थिति में खड़े हैं उसके अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास अगर हम दलित नेता के बारे में बात करें या कांग्रेस के पास दलित नेता के बारे में बात करें तो आपके अशोक तंवर भी हैं, आपके कुमारी शैलजा भी हैं। पर जैसे आपने बात बताई कि लगभग 70-72 सीट कहते हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के खाते से जिनका आवंटन हुआ है, उस हिसाब से तो कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत लंबे मार्जिन से आगे खड़े हैं। आपके असेसमेंट में भी आगे दिख रही है कांग्रेस, कोई शर्त इसमें कोई शक नहीं? देखिए वो तो सबसे पहले जब काउंटिंग स्टार्ट होगी तब देखा जाएगा, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि बीजेपी का कॉन्फिडेंस कम नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। तो मुझे जानना चाहता हूँ मैं क्यों तो बीजेपी का कॉन्फिडेंस क्यों कम नहीं है या कितना असल है ये कॉन्फिडेंस? सौरभ जी मुझे लगता है, देखिए आज मंगलवार है, ये किसके लिए शुभ मंगल होगा तो 12-1 बजे तक पता चल जाएगा। अभी देवेंद्र जी कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में पूरी लड़ाई सिंगल लार्जेस्ट की है, हरियाणा में पूरी लड़ाई मेजोरिटी की। अगर कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिली, मेजोरिटी मीन्स 46, मैं अगर इसलिए लगा रहा हूँ कि सारे जो एग्जिट पोल है उनमें 50-55-60 तक दिए गए, कल 70 हो गया सर जी, अगर एक सीट भी कम रहती है तो आप तय मान के चलिए कि बीजेपी 35 के आसपास पहुँच रही है, अगर कांग्रेस 45 से पहले रखती है तो।
और अगर कांग्रेस को मेजोरिटी अपने दम पर नहीं मिलती है, एक सीट भी कम रहती है, तो सरकार कांग्रेस के लिए बनाना लगभग असंभव होगा। बीजेपी के कॉन्फिडेंस की आपने बात कही, मैंने शायद पहले भी कहा था कि इस तरह का कॉन्फिडेंस राजनीति में एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, अनिवार्य योग्यता घोषित कर देनी चाहिए कि आप नंबर 5 पे खड़े हो तब भी कहें कि हम तो जीत रहे हैं और गणित भी समझा दें आपको कि हम क्यों जीत रहे हैं। लेकिन बीजेपी का गणित है, हो सकता है नायब सिंह सैनी गलत शब्द इस्तेमाल करके, हमारे पास व्यवस्था है, वो व्यवस्थाएं जो हैं अगर उनका थोड़ा सा तलाश करना चाहें तो चुनाव से पहले जो दो अलायंस बने INLD और BSP, JJP और ASP, ये वो व्यवस्थाएं हैं जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच डायरेक्ट फाइट को मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट में तब्दील कर सकें और कांग्रेस को मिलने वाला जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है उसको कहीं डिवाइड कर सकें। सारी उम्मीदें सारी व्यवस्थाएं बीजेपी की उसी पर टिकी हैं और लगभग 20 सीटों पर ऐसे आंकड़े हैं कि वोटिंग परसेंटेज में कुछ कमी आई है और उनमें से ज़्यादातर सीटों पर कांग्रेस के जीतने की संभावना जताई जा रही थी या कांग्रेस का सिटिंग MLA है। एक उम्मीद बीजेपी की वो है। तीसरा, हमने पिछली बार देखा एक दर्जन से ज़्यादा सीटें थी जिनमें हर जीत का मार्जिन बहुत कम था। तो अगर ये जो दो अलायंस हैं और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं हरियाणा का बेटा हूं और मुझे आशीर्वाद दें, अगर ये वो इतने वोट काट लेती हैं कि जीते भले ना डिसाइडिंग फैक्टर बन सकती हैं तो बीजेपी की राह आसान हो जाएगी। INLD जैसे सारे पोल कह रहे हैं कि 3 से 5 सीटें जीत सकती है। अगर कांग्रेस को मेजोरिटी अपने दम पर नहीं मिलती है तो तय मानिए कि वो वहीं जा रहे हैं। और 5 से 7 का आंकड़ा आ रहा है इंडिपेंडेंट्स का, वो नेचुरल चॉइस उनकी बीजेपी होगी अगर कांग्रेस की सरकार अपने दम पर नहीं बनी तो। जी, पर इसके अंदर एक बात था जैसे साहब भी बता रहे थे कि एग्जिट पोल्स के बारे में, एग्जिट पोल्स यूजुअली एक सैम्पल सर्वे किया जाता है और उसके बाद हवा जैसे बनी है, एक सेंटिमेंटल एनालिसिस लिया जाता है। बहुत सारे एग्जिट पोल कंपनीज जो हैं जो इन पे पोल स्ट्रैटेजी पे काम कर रही होती है वो मिस कर देती हैं कि एक्चुअली जो चुनाव जो लड़ा जाता है वो बूथ पर लड़ा जाता है और हर एक बूथ पर हर एक वोट के लिए लड़ाई होती है। तो उस स्थिति के अंदर बहुत कम ही लोग हैं जो इसका ढंग से आंकलन कर पाते हैं कि कौन सी पार्टी किस स्थिति पर खड़ी है। और उस हिसाब से अगर नायब सिंह सैनी जी ये बात कर कह रहे हैं कि उन्होंने व्यवस्थाएं कर रखी है तो उन्होंने ज़रूर ये व्यवस्थाएं ज़रूर कर रखी होगी, उनको थोड़ा एस्टिमेट होगा कि इस वक्त कांग्रेस की सरकार बन रही है नहीं बन रही। अगर कांग्रेस की सरकार नहीं बनती, अगर उनके पास मेजॉरिटी नहीं आती तो इस बात पर हम निश्चिंत रहें कि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल कर कर ये वो जो कह रहे हैं नायब सिंह सैनी की व्यवस्था है। आदित्य सुरजेवाला कैथल से चुनावी मैदान में है, रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं और सुरजेवाला फैमिली की तीसरी पीढ़ी जो राजनीति में है। अब इस बार देखिए जनता ने क्या जनादेश दिया है, ये तो बहुत जल्द सामने आएगा। आप इंडिया टीवी पर लगातार रुझानों को देखेंगे। आदित्य सुरजेवाला लेकिन क्या कह रहे हैं, आप उनका भी कॉन्फिडेंस सुन लें। कांग्रेस सरकार के समय 2014 में जब हम छोड़ के गए थे सरकार, आज 40% से ज्यादा है। मेरे जवान साथी देश छोड़ के जा रहे, वो बोल रहे हमारा कोई भविष्य ही नहीं रहता, डंकी से जा रहे हैं, स्टूडेंट वीजा से जा रहे हैं, 50-50 लाख दे के जा रहे हैं, अपने पुश्तैनी जमीन बेच के जा रहे, हमारे गाँव खाली हो जाएंगे, हमारे शहर खाली हो जाएंगे। दूसरी चीज विकास, इस भ्रष्ट भाजपा सरकार ने हमारे शहर में, हमारे हल्के में, हमारे पूरे हरियाणा में कोई नए बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट नहीं लेके आए। जो पुराने प्रोजेक्ट कांग्रेस पार्टी ने प्लान किए थे वो ही ख़त्म किए, उसके सिवा और कुछ नया नहीं लेके आया है। ये जो पुरानी चीज़ें हमने बनाई भी थी उनकी मेंटेनेंस भी नहीं कर पाया ये, इसलिए कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं आया है, कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया कि लोग सोचते चलो आओ हरियाणा आते हैं देखो क्या क्या नई चीजें आ रही। और तीसरी, मैं तीन चीजें बोली थी, और तीसरी विकास और बेरोजगारी के बाद है ये भ्रष्टाचार और नफरत। इसने, इस भाजपा सरकार ने जैसे ने कर्नाटका में किया था, एक 40% कमीशन सरकार चलाई हुई, कोई भी काम आपको करना होता है आपको 40 से 50% तो बस रिश्वत देनी पड़ती है, और उसके बाद भी इतनी रिश्वत खाने के बाद भी कभी कभार ये काम नहीं करते, और इतना गुंडा राज फैल गया कि आपको फरौती के फोन आते हैं, दिन दिहाड़ी चोरी आती है। तो सरकार का पॉइंट क्या है, अगर वो अपने सारे साधारण जो सारे के सारे सिटीजन्स हैं उनका ध्यान भी नहीं रख सकती, बस उनका बटवा खाली करने में लगी हुई। बीजेपी की कितनी सीट आप देख लग रही है आपको? जैसे मैंने
लगभग मेरे हिसाब से 15 सीट आएगी उनके, हो सकता है उससे भी कम आए, क्योंकि इस भाजपा सरकार ने पिछले 10 साल में कोई काम तो किया नहीं, लोग उन्हें वोट देना भी नहीं चाहते। हमने 2019 में भी देखा था कैसे उनकी सीटें कम हुई, इस बार तो किसान आंदोलन के बाद और इतनी ज्यादा बेरोजगारी के बाद, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार के बाद कोई भी वोट देना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ 15 सीट से कम आएगी। आदित्य जी, कांग्रेस में ठीक है, कांग्रेस सीटें आ रही है, तो एक दावा जो है आदित्य सुरजेवाला ने भी कर दिया कि 15 सीट से कम भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है। अच्छा, ये भी गणित बताया जाता है, गणित नहीं, एक ऐतिहासिक गणित बताया जाता है। दो टर्म के बाद तीसरा टर्म एक तो हरियाणा की जनता ने किसी पार्टी को कभी नहीं दिया, चाहे वो बंसीलाल जी हो, चाहे कांग्रेस हो, और फिर मनोहर लाल खट्टर की 9.5 साल की सरकार चलने के बाद बीजेपी की बात हो, एक ये दावा भी किया जाता है। और ये भी बीजेपी के कुछ सपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि आप ये देखिए तीसरा टर्म लेने वाले बंसीलाल जी या कांग्रेस पार्टी, कितनी सरकारें आई थी, किसी की 3, किसी की 9, किसी की 15। भाई 87 में जब भजन लाल थर्ड टर्म के लिए गए तो उनकी 5 सीटें आई थी। और एक दिलचस्प आपको वाक्य बता दूं, याद भी होगा शायद, एक सीट का चुनाव बाद में हुआ था, 89 का हुआ, तो उसमें 4 आई थी। दिल्ली के एक बड़े अखबार में कार्टून छपा था, हरियाणा में कांग्रेस को 4 सीटें, नीचे कमेंट था, कंधा देने के लिए काफ़ी है। उसके बाद जब बंसीलाल जी गए तो 3 सीटें आई थी HVP की। ओम प्रकाश चौटाला गए 2005 में चुनाव के लिए तो 9 सीटें आई थी। और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा गए 2014 में तो 15 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस ने 2005 में शुरू किया था 67 से, और 2009 में आ गए तो 40 पर। तो अभी जो आदित्य सुरजेवाला कह रहे थे कि पिछली बार झटका लगा, तो वो भी बहुत बड़ा झटका था। ये 47 से 40 आए बीजेपी, वो 67 से 40 आए थे। तो ये बात सही है कि हरियाणा का वोटर बहुत वोकल मैंडेट देता है। और थर्ड टर्म पाना मुझे लगता है बहुत मुश्किल इसलिए होता है कि दावे आप जो भी करें कि हमने सेवा की, हमने ऐसी सरकार चलाई, हमने सब कुछ कर दिया, लेकिन जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरना सबकी बहुत मुश्किल होता है। कैमरे के सामने जो बोला सैनी साहब ने वो सुन लिया हमने देवेंद्र, पीछे बीजेपी वालों को क्या लग रहा है हरियाणा में? रियलिटी का एहसास है, आज जो रिजल्ट आएगा उसके बारे में एहसास है। एक दूसरी चीज ये हो जाती है कि नीचे लेवल पे मान लीजिए कि बीजेपी के नेताओं के साथ ये कन्फ्यूज़न कई बार होता है, दिल्ली के केस में भी हुआ है, कि उनका अपना जो वोट है वो अगर वो गिरा लेते हैं तो उनको ये लगता है कि हाँ हमारा काम हो गया, लेकिन कई बार वो चीज़ें निर्भर करती है इस बात पे कि क्या ट्रायंगुलर फाइट वाली स्थिति थी। जैसे मान लीजिए हरियाणा में पिछली बार की तुलना में इस बार की जो स्थिति है वो एकदम से अलग है, इसमें ट्रायंगुलर नहीं है। तो अगर ट्रायंगुलर नहीं है और बीजेपी ने ट्रायंगुलर वाले से तुलना करके ये मान लिया कि हमारा वोट पिछली बार जितना था लगभग हमने उतना गिरा लिया, तो ऐसा ही परफॉर्मेंस होगा। तो ये दिल्ली में भी ये समस्या आती है, यहाँ भी आती है, हरियाणा में भी, तो वो नीचे लेवल पे है। लेकिन बड़े लेवल पे एकदम क्लैरिटी है कि हरियाणा में क्या ग्राउंड सिचुएशन था। आप सोचिए ना कि जिस व्यक्ति के शासनकाल में आपने लगभग पूरी सरकार चलाई, कुछ महीने छोड़ के पूरी चलाई, हाँ, अपने कैंपेन में आपको उनको छुपाना पड़े, पोस्टर्स में लगभग गायब कर दिया था। कांग्रेस के कैंडिडेट्स ये कहते थे कि काश हमारे विधानसभा में खट्टर बीजेपी का प्रचार करने आ जाए, उस सिचुएशन में क्या ही उम्मीद कर सकते हैं आप। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि क्या है। और इतनी सारी समस्याएं थीं, जब कास्ट बैरियर टूटने लगे आपकी समस्याओं के चलते, तो वहां पर फिर कुछ और उम्मीद करना मुश्किल है। जैसे जाटों में क्या होना था तो पता ही है, वैसे ही रहा है। अहिरवाल में जरा आप चेक कर लीजिए किसी बीजेपी के नेता से, वो कई सारी ऐसी सीटें बताएंगे कि जो एकदम फंसी हुई है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अहिरवाल में अच्छा डिवीजन हो रहा है। तो जो आपका एकदम स्ट्रांग होल्ड है उसमें डिवीजन है, जो आपका एंटी था उसमें हार्डकोर एंटी पोलराइजेशन, फिर कहां बच जाता है कुछ। सैनी साहब की बात खत्म नहीं हो पाई लेकिन अभी तक, एक बार फिर सुन लेते हैं मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। जनाब तरीके से उसको मजबूत करने का काम किया गया है। अगर हम कामों की गिनती करें तो बड़ा लंबा समय लग जाएगा। ये हर व्यक्ति को इस बात के बारे में मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से काम किया है। हमने चाहे किसान की फसल का खराबा है उसका 100% मुआवजा उस तक देने का काम किया है, हमारा सब्जी का किसान उसको भावांतर भरपाई देने का काम किया, मेरा बाजरे का किसान उसको भावांतर भरपाई देने का काम किया, मेरा सरसों का किसान है उसको उचित मूल्य MSP पर खरीदने का काम हमारी सरकार ने किया है। ऐसा हर वर्ग के लिए हमारी सरकार ने काम किया। गरीब व्यक्ति को हमने मजबूत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने मकान बना करके देने का काम किया है। हमने इसके साथ साथ 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड की उसको कोई चिंता कोई दिक्कत ना आए उसके लिए हमने काम किया है।
हमारी सरकार ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों के अंदर लगी रही है, आगे भी हम ईमानदारी से हमारी सरकार मजबूती से काम करेगी और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। सर, एग्जिट पोल को लेकर तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे हैं कि ऐसे ही नतीजे आने वाले हैं जैसे एग्जिट पोल आए। अच्छा है जो वो बात सोच रहे हैं, क्योंकि उनको कोई रोक थोड़ी सकता है। एग्जिट पोल ये तो छत्तीसगढ़ में कह रहे थे कि हमारी सरकार बन रही है, मध्य प्रदेश में बोल रहे थे कि हमारी टक्कर है, यही बोल रहे थे कांग्रेस के लोग, कोई और नहीं बोल रहा था। एग्जिट पोल के ऊपर बोल रहे थे, ये एग्जिट पोल के ऊपर बोल रहे थे। हाँ, बोलने अच्छा है, खुश हो जाएंगे, परंतु हमने ईमानदारी से काम किया है। हमने ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इन्होंने भ्रष्टाचार के अंदर देश को ऊंचाइयों के ऊपर लेकर के गए। हम विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश को ऊंचाइयों के ऊपर लेकर के गई है। हमने बिना क्षेत्रवाद के ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश का काम किया। इस बात को लोग एक्सेप्ट करते हैं। जब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। सर, कुमारी सैलजा का भी बयान आया, गुप्ता भी कह रहे हैं 60 से अधिक सीटें आ रही हैं, इसके साथ ही वो राहुल गांधी की नेतृत्व की बात कर रही हैं सैलजा के, लगातार राहुल गांधी। देखिए, ये इनका इंटरनल मामला है, वो अपनी क्या उन्होंने अपनी समीकरण लगा रखे हैं, वो अपने समीकरणों को देखें, देख करके फिर बात करें। नायब सिंह सैनी को सुनकर कादियान जी ऐसा लगा कि जैसे अभी भी मतदान होना बाकी है, हाथ में कमल का फूल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या क्या काम किया वो अभी भी उसे गिना रहे हैं, लग रहा है अभी भी उसी जोन में है। वो उनके लिए प्री रिक्विजिट बन जाता है इस वक्त, क्योंकि जब तक बक्से खुलते नहीं है, जब तक ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होने लगती है कि कितने सीट्स के अंदर बीजेपी आगे है, तब तो वही बात रिपीट करना अच्छा है। और दूसरा, नायब सिंह सैनी जी के लिए मोटस ऑपरांडी हो गया है पिछले 3-4 महीने से, कि बार बार वो बोडस अपरांडी हो गए हैं पिछले 3-4 महीने में, कहते हैं बार बार सेम ही बात रिपीट करना, क्योंकि 9.5 साल के बाद अचानक से ही नए मुख्यमंत्री हरियाणा के अंदर आ गए थे, तो इतने कम समय के अंदर बार बार गिनवाना उनके लिए एक मैंडेटरी वो हो गया वर्किंग स्टाइल। हाउएवर, ये बात बोलनी भी ठीक रहेगी, क्योंकि अब हम इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन हैं। 9.5 साल के अंदर कई अच्छी बातें भी हुई हैं हरियाणा के अंदर भाजपा सरकार के राज में। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ गुड़गांव की अगर कोई गिनती करवाएगा तो उसके अंदर आपको इंप्रूवमेंट नहीं लगता। आप अगर बात करते हैं कि डिजिटल गवर्नेंस लेकर आने का अटेम्प्ट किया गया था, वो भी एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट था, बट उसके अंदर भी ऑपरेशनली बड़े सारे चैलेंजेस आने लगे। तो ये जो चीज़ें थी, ये धीरे धीरे लोगों के मन में घर करने लगी थी। ये जो चैलेंजेस थे कि घर बैठे एक मुसीबत खड़ी हो जाना किसी भी एक वोटर के लिए, वो बहुत बड़े चैलेंजेस बनते गए ओवर टाइम, जिनका रिड्रेसल जब होना चाहिए था शायद तब नहीं हुआ। और यही सारी चीज़ें धीरे धीरे प्रेसिपिटेट करके हमें यहाँ पर खड़ी कर गई हैं कि लोगों के अंदर कोई इस तरह का भाव, ऐसा नहीं है कि हरियाणा का वोटर बहुत ज़्यादा ये चाह रहा है कि हमें कांग्रेस पार्टी ही चाहिए। क्योंकि देश के अंदर अगर हम राष्ट्रवाद की बात करें तो हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर सबसे ज़ोर से अगर उक्का पटेगा तो हरियाणा से पटेगा, कि सबसे अगर 370 जब हटी थी तो मुझे लगता है पूरे देश के अंदर सबसे जोर से आवाज़ अगर निकली थी वो हरियाणा से निकली थी। तो ये चुनावी मुद्दा या ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत अहम मुद्दा था, तो हरियाणा वैसा प्रदेश है जहां पर सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दों के अंदर ये था। ऐसा नहीं है कि जनाधार ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं दावा कर सकता हूँ कि लगभग 15,000 वोट हैं जो आज सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट दे देंगे भारतीय जनता पार्टी को। पर बाकी सारे जो और मुद्दे बढ़ते गए हरियाणा के अंदर सरकार के ऑपरेशन चैलेंजेस की वजह से, उन्होंने इस सिचुएशन को यहां पर आके खड़ा कर दिया कि आज हम इस चैलेंज पर खड़े हैं कि शायद कांग्रेस की सरकार ना बन पाए।